Despite the ticket's fares not rising in the first budget of the BJP government, BSP Supremo Mayawati said it will not benefit as no facilities are being provided to the passengers. As per Mayawati, it's a railway budget which is misleading the general public without any benefits to them. जो और बड़े पैमाने पर जो इस देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उद्योगपति हैं उनको जो फायदा पहुंचा रहे हैं तो उसकी तरफ भी इस देश की जनता को जरूर ध्यान देना चाहिए। नट साल में मैं यही कहना चाहती हूं कि ये जो रेलवे बजट है ये खास तौर से केवल ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। इससे कोई रेल यात्रियों को या रेल में सफर करने वाले लोगों को कोई ज़्यादा फायदा मिलने। हम नहीं चाहते कि किराया बढ़ाया जाए, हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है कि किराया बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी आड़ में ये जो घिनौनी राजनीति कर रही है ये सरकार कि हम किराया नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करके जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको अपनी ओर वो आकर्षित करना चाहती है इसके आड़ में, लेकिन इसके साथ साथ जो जरूरी सुविधाएं यात्रियों को देनी चाहिए तो वो ये सरकार उनको एक तरफ से उनको कोशिश करती है कि हम उनका किराया नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी सुविधाओं को वो कट करती है। रेलवे यात्रियों को मालूम है कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से नहीं की जाती है, इस विभाग की ओर से नहीं की जाती है। तो ये घोषणाएं तो बहुत करते हैं, हर साल रेलवे बजट आता है बहुत घोषणाएं करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और ज़्यादातर लोगों को जो रेल यात्री है उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला इससे नहीं है। Powered by NNIS.